बिहार के मुजफ्फरपुर में इन दिनों लीची की मिठास धीरे धीरे घुलनी शुरू हो गई है और बाजार में शाही लीची का आगमन हो चुका है। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। स्वाद और मिठास के लिए प्रसिद्ध शाही लीची बाजार में आ गई है। हालांकि अभी कीमत आसमान छू रही है, इसकी वजह है कि बड़े व्यापारी लीची बाजार में नहीं लाए हैं। 20 मई तक बाजार लीची से पट जाने की उम्मीद है। मुंबई में लीची बुधवार से भेजी जाएगी। MBRI के अविनाश कुमार ने बताया कि हर रोज 4 टन लीची मुंबई भेजने की तैयारी है। एयर कार्गो से 4 से 5 घंटे में पहुंचा दिया जाता है। इधर रविवार को कंपनी बाग व स्टेशन रोड में 150 से लेकर 170 रुपये सैकड़ा लीची बिकी। इस बार लीची की क्वालिटी अच्छी भी बताई जा रही है। आपको बता दें कि मुंबई में 400 व पंजाब के लिए 600 पेटी लीची ट्रेन से भेजी गई है। रेलवे ने लीची की ढुलाई के लिए पवन एक्सप्रेस में विशेष लीज वैन की व्यवस्था की, जिसमें करीब 4 टन लीची प्रतिदिन मुंबई जाएगी। रविवार को जयनगर लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस के लीज वैन में 250 और रेलवे ने खुद बुकिंग कर 150 पेटी लीची मुंबई भेजी है। इसके अलावा जननायक एक्सप्रेस से पंजाब के लिए 60 पेटी लीची ब्रेकवान से बुक कर भेजी गई। कुल मिलाकर रविवार को मुजफ्फरपुर से मुंबई के लिए 400 और पंजाब के लिए 60 पेटी लीची भेजी गई है। मुजफ्फरपुर बाजार में शाही लीची आने लगी है। इस बार लीची पिछले कई साल से अच्छी है, लेकिन शहर के आसपास बैरिया, काटी, कन्हौली के आसपास के बगीचा की लीची लाल होकर फट रही है। इसकी एक वजह प्रदूषण भी है, दूसरी वजह लीची के पेड़ में बोरॉन व नमी की कमी बताई जा रही है। लीची की बारिश की ज़रूरत है। बारिश से फल में लाली के साथ मिठास भी आ जाता है। चूँकि अभी तक बारिश नहीं होने की वजह से लीची का स्वाद कैसा होगा इसमें, क्योंकि मिठास तभी आता है लीची में जब बारिश हो जाए। हालांकि अब धीरे धीरे मुजफ्फरपुर की बाजार से निकल कर के देश के अन्य जगहों पर बिहार की लीची अपनी मिठास फैलाने के लिए जाना शुरू हो गया है और उम्मीद जताया जा रहा है कि 20 मई तक बाज़ार में पर्याप्त मात्रा में लीची उपलब्ध हो जाएगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए।